देते हैं कि स्कूल बने एक ऐसी जगह जहां वो आनंद पूर्ण और अंदर तक चले आ रहे एफएलएन प्रशिक्षण का आरंभ हुआ, जिसको श्रीमान तिवारी जी ने एक बहुत खूबसूरत श्लोक के श्लोक से आरंभ किया और फिर निपुण भारत का एक प्रेरक गीत तथा बच्चों को साक्षरता स्तर पर निपुण बनाने के लिए सभी शिक्षकों ने प्रतिज्ञा ली। तत्पश्चात श्रीमान भूदयाल जी ने दिवस 4 दिनांक 23/9/2023 की आख्या विस्तार पूर्वक प्रस्तुत की। इसके बाद श्रीमान दिव्य प्रकाश जोशी जी ने मौखिक भाषा के विकास को कक्षा 1, 2, 3 के संदर्भ में विभिन्न उदाहरण एवं तरीकों से समझाया और बताया कि मौखिक भाषा क्या है। सुनना और बोलना, या यूं कहें बात को सुनकर समझकर बोलना। मौखिक भाषा के विकास तथा क्या हो सकते हैं जो हमें लिखने में मदद करें, साथ ही नए शब्दों से परिचित कराते हैं। मौखिक भाषा के विकास को समझने और समझाने की चर्चा के बीच हमारा गर्मा गर्म नाश्ता हुआ, जो कि मौसम की मांग था, यानी भीगते मौसम में गरम गरम चाय और पकौड़ी, जिसका आनंद सभी शिक्षक साथियों ने लिया। गरम गरम नाश्ते के पश्चात सभी शिक्षकों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और प्रशिक्षण पुनः श्रीमती रंजना मैम द्वारा बारिश की गतिविधि के रूप में दर्शाया गया। बारिश को गतिविधि। इसके बाद श्रीमान दिव्य प्रकाश जोशी जी ने सामान्य बातचीत और व्यस्त बातचीत को एक बुका बजूला कहानी द्वारा समझाते हुए रचनात्मक बातचीत के बारे में बताया। इसके बाद श्रीमान तिवारी जी ने मौखिक भाषा के विकास के माध्यमों का उल्लेख किया, जिसके बहुत ज्यादा था, मतलब तैयारी अगर बनाया तो 1.5 घंटा मेरे पास भी इसकी बहुत तैयारी को शब्द कैसे लेंगे, प्रशंसा को कैसे लेंगे, खुदरा को कैसे लेंगे। अब खुदरा शब्द को कैसे खुदरा का दूसरा और कोई शब्द नहीं, कैसे बताएंगे और आसान कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। हमेशा खुदरी रहती है, कुछ मिनट यूटिल पार्ट हो तो ये सब चलता है एक ही साथ है, लेकिन यहाँ पर हम उससे बेहतर तरीके से बातचीत कर पाए इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। और आज इसीलिए हम बात करते हैं धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन क्या है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, हम लोग जानते हैं धारा प्रवाह पठन क्या होता है। इसके शब्द का थोड़े अर्थ के देख लेते हैं। धारा प्रवाह क्या होता है, जो नदियाँ देख रहे हैं, झरने देख रहे हैं, वो एक तरह की गति से चलते हैं ना, कहीं ऐसा नहीं है कि अभी तेज चल रहे हैं तो थोड़ी देर में धीरे हो जाए, या फिर कहीं पे धीरे चल रहे हैं कहीं पर। नदी एक समान धारा के साथ चलती है, ऐसे ही कोई भी पानी की धारा है वो एक साथ चलती है, तो वहीं से शब्द आया धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का मतलब यहाँ पे यह है कि जो बच्चा पढ़ रहा हो या कोई भी पढ़ रहा हो एक समान गति से पढ़ रहा हो। हम पढ़ते क्यों हैं, सीधी सी बात है, पढ़ने का यही मतलब है कि हम किसी बात को समझ पाए। गरीब बच्चा भी अगर कोई चीज़ को पढ़ पा रहा है तो वो उसको समझ पाए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, नहीं तो पढ़ने का तो कोई मतलब शायद नहीं है। अगर हम नहीं पढ़ लें और फिर भी ना ग्रहण कर लें या उसको ना समझ लें। अब बात आती है धारा प्रवाह की, एक समान गति से। अब अगर मान लीजिए किताब में इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, आप सुनिएगा, एक झाड़ी में पेड़ पर, ठीक है, ये है धारा प्रवाह नहीं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कक्षा 1, 2, 3 की, केवल कक्षा 1, 2, 3 की। कक्षा 1, 2, 3 का बच्चा ऐसे भी नहीं पढ़ पाएगा, ऐसे उदाहरण आते हैं, मैंने इसलिए दिया आपको ऐसा, लेकिन 1, 2 का बच्चा 3 का बच्चा नहीं पढ़ पाता, ऐसे ही इकरा होता है। तो 1-2 का बच्चा कैसे पढ़ता होगा, एक आपका 3 का बच्चा मैं कैसे पढ़ता होगा, किताब देता हूँ इससे पढ़ते अगर बताएं तो कैसे सोचा बोल रही
उसके साथ साथ और जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उनका मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। बच्चे तो मैंने देखे आप यहाँ लगभग पढ़ लेती है ता बहुत बढ़िया। लेकिन बात ये कह रहे हैं कि जब 2026-27 तक जो हमारे कक्षा 3 ग्रेड का बच्चा है वो करीब 40 से 60 शब्द से ऊपर समझ के साथ पढ़ सके, उसमें समझ जुड़ा हुआ है, समझ के साथ पढ़ सके। आप समझ उसको एक धारा या एक प्रवाह के साथ एक गति के साथ ठीक से पढ़ रहा होगा। ये बात हम देख लेंगे तो फिर हम और बेहतर तरीके से आपसे। अभी कोई स्कूल नहीं गया था, पिता जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करते थे, अनपढ़ थे। अशोक ने कई बार जिद की, माँ को समझाया और अंत में पिता मान गए कि उसे पास के कस्बे के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा देंगे। पहले दर्जे में हिंदी के अंतर्गत अध्यापक ने वर्णमाला सिखाई, एक एक अक्षर की आवाज हफ्तों रटाई, अक्षर जोड़कर कबूतर पढ़ना सिखाना चाहा तो अशोक बहुत खुश हुआ। पर उसे यह समझ में आया कि दरअसल बहनजी के लिए क, गु, त और र का कुल योग कबूतर है। अशोक के दृष्टिकोण से क कबूतर था। बहनजी अशोक का दृष्टिकोण समझें, अशोक का भी कोई दृष्टिकोण है यह बात वे जानती थी या नहीं। मटर का म, लंगूर का ल, क म ल, हर बार उसे इस तरह पढ़ते देखकर अध्यापिका कुछ नाराज हुई। अशोक के हर प्रयास के बाद अध्यापिका उससे कहती, दूसरे बच्चों को ध्यान से सुनो, उनकी तरह पढ़ो। अशोक दूसरे बच्चों को बहुत ध्यान से सुन समझने में असमर्थ रहता कि वह कहां गलती कर रहा है। कुछ वर्ष बाद जिले में एक सर्वेक्षण हुआ। प्रांतीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की ओर से 2 सर्वेक्षक लंबे लंबे फार्म लेकर आए। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना था कि प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट की दर इतनी ऊंची क्यों है। दशक पहले रह चुके हैं, अभी भारत के जाने माने शिक्षाविद हैं, पहले भी थे और अभी उनकी राय ली जाती है कई चीजों के मॉड्यूल बनाने में, हमारी पॉलिसी को बनाने में राय ली जाती है। धारा प्रवाह न पढ़ के अटक करके पढ़ के पढ़ता है तो उसके साथ आगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारे सारे विषय किसी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। हम आगे चाहे सामाजिक पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, भूगोल पढ़ें, जहाँ तक कि हम गणित के भारतीय सवाल भी अगर लगाएं तो वो भी आगे चल के हिंदी भाषा में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जोड़ घटाना आता है तो वो सवाल नहीं कर पाता, उसको जोड़ घटाना तो आता है, लेकिन चक्कर क्या होता है कि जब वो भारतीय सवाल की भाषा को पढ़ता है तो उसका अर्थ नहीं निकाल पाता, अर्थ नहीं निकाल पाता तो समझ नहीं पाता है कि इसमें करना क्या है और वहीं कहानी खराब हो जाती है। कहानी खराब होगी जो उबड़ खाबड़ शब्द आए, पठारी शब्द आए, जैसे आप कह रहे थे ना, तो इस तरह के शब्द जब आते हैं और बच्चा अगर अटक अटक के पढ़े, गुलाब का फूल आपने देखा होगा कैसे उसने पढ़ा, तो इस तरह से बच्चा अगर पढ़ेगा तो कुछ भी अर्थ नहीं निकाल पाएगा और वो टीचर के लिए भी बड़ी कठिन समस्या हो जाती है। जैसा स्वास्थ्य ठीक है।
ये बात आ गई, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने का मौका, यानी कि ये कल मैं एक बात कह रहा था ना, ये सब कौशल है, स्किल है। स्किल कोई भी हो, स्किल की एक विशेषता है कि इसको हम जितना अधिक करते हैं तो उतना अधिक आती है। आप जितना अधिक नदी में तैरना शुरू करें, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी पहले ली और कार बाद में चलानी। हाँ, और अपनी बोलना, कुछ भी बोलना नहीं, व्यवस्थित बोलना, ये सब कौशल की बात है। तो कौशल हम जितना अधिक उसको अभ्यास करते हैं उतना अधिक आता है। ठीक है, दो बात आ गई, बहुत बढ़िया, ये तो पूरा खजाना ही है पुस्तकालय। और क्या करते हैं, स्तर के अनुसार एक नई बात आ गई, स्तर के अनुसार थोड़ा हम इन्हीं से सुन लेते हैं कि ताकि हमारे लिए काम आ जाए। इस तरह से अनुसार किताबों का क्या मतलब है, मैम इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है पुस्तकालय बना रखा, तो उसमें बना रखे ग्रीन रेड, मतलब उनको तो जो छोटे बच्चे हैं वो एक एक लाइन वाले ग्रीन किताबें लेते हैं, एक एक लाइन वाले हैं। ये ग्रीन किताब का क्या मतलब हुआ, छोटा स्तर है ना उसमें, तो एक बधा ये सब की तो वो लेते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो ऐसे रेड है या रोज उसमें कोड बने हुए, तो उसी अनुसार अपने स्तर के अनुसार हमको बच्चों को अगर इस तरह के अनुसार किताबें, इसका से मतलब ये है यानी कि पांडे जी और मैम की बात लगभग लगभग सेम है। जब आप परखा शरीर की किताब उठाएंगे तो उनके पीछे भी जो है निशान बने होते हैं, लाल निशान एक लाइन की किताब, इसी तरह हरा निशान है, आसमानी निशान है और ऑरेंज कलर का निशान है, दो दो लाइन वाली किताब, तीन लाइन वाली किताब, चार लाइन वाली किताब। पांडे जी की बात मानूं तो उसमें बरखा शरीर कहते हैं कि पढ़ना सिखाने का एक ऐसा टूल बनाया हुआ है, वो बाल साहित्य कम और टूल ज़्यादा है, बहुत ही जबरदस्त टूल है। और ये पहले उत्तर प्रदेश मथुरा में इसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो इसको पूरे भारत में लागू करना क्या है, इससे क्या हम इसे पढ़ना किसी को फिर से बार बार मैं तो मेरे दोहराने का है, पहले भी मौखिक भाषा करी, मौखिक थी, घनी जागरूकता करी वो भी मौखिक मौखिक आया है, उसके बाद फिर हमने अक्षर ज्ञान और बार बार बात वो लेकिन वही है, देखिए आंख भी है, कान भी है, विद्या भी हुई है, अगर हम इसी के परिप्रेक्ष्य में और प्रश्न आपके सामने रखते हैं, टॉपिक यही है, रखूं बिल्कुल, तो क्या हम उसका जवाब दे पा रहे हैं, जो पढ़ा जा रहा है उस समझ आ रही है या नहीं, यदि समझ में नहीं आ रही है तो पाठक पढ़े गए दोबारे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, सही सतह के आगे अर्थ के विभिन्न पदों पर समझते हैं। हम भाषा से बात करें, सिर्फ भाषा के संदर्भ में बात करें, तो उसके संदर्भ में तीन चार सवाल है आपके सामने, अब पाठ को पढ़ना है आपको और पाठ को पढ़ के बच्चों के लिए इन इन पैरामीटर के सवाल बनाने हैं। उदाहरण के लिए आपको बहुत सारे प्रश्न किताब को उस पाठ में दिए हुए हैं, जब पाठ के नीचे आप आएंगे तो बहुत सारे प्रश्न वहाँ दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि वो प्रश्न इन पैरामीटर में कहाँ आंसर हो रहा था। राजनीतिक कपड़े कौन करवा देगा, तो हम ये जो समझ है स्टूडेंट में ऑटोमेटिकली कतई ही उसमें गर्म होता है, और हवा का जो वातावरण वो जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है। जैसे कि सत्य द्वारा भी मतलब जो है दर्शन दिया गया था, तो पंच सत्य द्वारा मतलब दिए गए है, जैसे कथात्मक समझ या निष्कर्ष से संबंधित समझ, पार्श्व परे की बात या सृजनशीलता से संबंधित चिंतन कर सकते हैं कि हवा और सूरज को, हवा और सूरज के बीच में क्या बहस हुई थी या किस चीज को लेकर के बहस छिड़ी। तो सेकंड पॉइंट अगर हम आए निष्कर्ष से संबंधित, तो हम लेसन के लास्ट में हम बच्चों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अंत में कौन
जी था, लेसन से थोड़ा सा हट करके, जैसे कुछ उसके अलावा भी बच्चे कुछ ना कुछ जैसे लेसन से संबंधित, क्या सूरज से अधिक बलवान भी कोई चीज हो सकती है, या सूरज से अधिक गर्म भी कोई चीज हो सकती है। उसके बाद जैसे हम सृजनशीलता वाले पॉइंट में मतलब आएंगे, तो बच्चों के सामने हम ये मतलब कह सकते हैं कि जैसे अगर कहीं ऐसा हो जाता है जैसे उनकी लाइफ में कि जैसे इमेजिन करें पार्ट में इस कहानी की मेन तथ्य क्या है, फैक्ट पे आधारित प्रश्न। फैक्ट ये है कि उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, यस और नो, ये चीज है तो है, ये नहीं है तो नहीं है, उसमें हमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा निष्कर्षात्मक, उस पर भी बच्चे का थोड़ा सा दिमाग चलेगा, जैसे हमने कहा कि समझने का पर समझने का मतलब क्या है, एक उद्देश्य निकालता है, तो निष्कर्ष भी एक उद्देश्य निकालता है, निष्कर्ष क्या है इसका, उन दोनों में बहस भी आपकी, निष्कर्ष क्या निकला कि सूरज इस तरीके से पढ़िए पार्ट क्रॉस के बाद देखते हैं कि बहस इसकी, तो सूरज और हवा में क्या है, बहस हो रही है। सूरज जो है जो काम कर सकता है वो हवा नहीं कर सकती, और हवा जो काम कर सकता है वो सूरज वो काम नहीं कर सकता। उसके अंदर हमने देखा कविता के अंदर कि हवा ने क्या करा, उस बलवान आदमी की टोपी गिरा दी, मगर वो कोट उसका नहीं उतार पाया। हमने प्रश्न बनाया से कि सूरज अधिक बलवान है या हवा अधिक बलवान, ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है, तो दो ही बना। निष्कर्षात्मक में सूरज ने ऐसा क्या किया कि आदमी के कपड़े, आदमी ने कपड़े उतार दिए स्वयं ही अपने स्वयं को, और हवा ने अपनी हार क्यों मान ली। क्या बहस सुनी, दूसरा क्वेश्चन होता है कि बहस किस चीज का शुरू है, और दूसरे वाले में हमने ये निकाला कि हवा और सूरज में कौन बलवान है, तीसरे में सूरज के बारे में बताओ या गर्मी के मौसम के बारे में बताओ, उसके बाद और ऐसी हवा के आधे आने पर क्या क्या होता है, और अंत में सर सृजनात्मक में तो सर हम बच्चों से कोई चित्र भी बनवा सकते। तो बच्चे क्या बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं और सूरज बना देते हैं, बस उसी को बस उनकी समझ वहीं तक है, सृजनशीलता वहीं तक है, हमारी वहीं तक जाती है, जबकि वो और वृत्त रूप है प्रकृति का, और हाँ पहाड़ नहीं होंगे तो वहाँ सूरज कैसे उग रहा होगा। तो मैं क्या बच्चा हवा और सूरज को से परिचित है, सूरज से क्या मिलता है, हवा से हमें क्या मिलता है, और सूरज और हवा में कौन बलवान। पहले सीधे पार्टी को शुरू नहीं करते हैं, ये सब चीजें बच्चे से पूछ लेते हैं, सूरज क्या है, मतलब ये क्या है, देखा है आपने उसके शब्द कठिन जो भी है, तो ये कर जैसे सीधे लाइन से शुरू के अंत से खत्म नहीं करते, पहले बच्चे को थोड़ा बहुत पहले सूरज हवा पूर्व ज्ञान में सूरज की ठंडी गर्म है तो गर्म ही कहेंगे, हवा की ठंडी है तो ठंडी कहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन उससे पूछिए आखिर सूरज से हमको गर्मी क्यों लगती है, सूरज तो दूर है, सूरज से गर्मी क्यों लगती है, कभी जब सूरज निकलता है तो आपको कैसा महसूस होता है, जाड़े में कैसा होता है, गर्मी में कैसा लगता है, ये ऐसे प्रश्न हम उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तथ्य है हवा जब चलती है तो आपको कैसा लगता है, कैसी फीलिंग्स आती है आपको, जाड़े में कैसी फीलिंग्स आती है, गर्मी में कैसी आती है, तो ये हवा से संबंधित तथ्य है, क्योंकि जलवायु क्लाइमेट को ये तीनों दोनों चीज़ बदलते हैं, तो इस तरह से ही है, सबके साथियों के सवाल एक जैसे ही होंगे और अच्छे हैं, सभी विद्वान साथी हैं। क्वेश्चन यही बनाए थे, सूरज जब चमकता है तो आपको कैसा महसूस होता है, हवा जब तेज चलती है तो हम क्या अनुभव करते हैं, एक निष्कर्षात्मक में निकला है, अंत में हवा और सूरज में किसकी जीत हुई और क्यों। एक ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में सृजनात्मक में तो हम कलावी का चित्र बना देते हैं, हवा का भी देते हैं, और उसमें
सूरज के बारे में लिखवा भी सकते हैं, हवा के बारे में। इसमें मैंने सर ये बोला ना कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सूरज और हवा में, लेकिन बच्चे बीच बीच में भी ये भी कंपैरिजन हो सकता है कि अगर बच्चे हम जानवरों से रिलेट कर लें कि हाथी और शेर में कौन ताकतवर है, क्या हम ऐसा उदाहरण नहीं ले सकते पढ़ से? इसमें सदन क्या कह रहा है? जो भाव है तो संज्ञानात्मक ज्ञान है, बच्चे को जो अगर हम गलत सिखा देंगे बलवान बनाने वाला तो गलत हो जाएगा ना। हम उसको सिखाएंगे तुम्हारे जो तथ्यात्मक समझ है वो पाठ बलवान बताएंगे, तुम्हारे पाठ का नाम और निष्कर्ष उसको बताएंगे हम कि तुम्हारे जीवन से रिलेटेड कितनी चीजें सूर्य और कौन ताकतवर है यहाँ पर। जैसे मन्नू को लड़ाया और हमने राजेंद्र को लड़ा दिया, यहाँ पर ऊर्जावान कौन था? हवा है, पानी है, बादल है, भूकंप है, इनमें ये क्या कर सकते हैं, इनकी इनकी क्या ताकत है, इनकी इनके कार्य क्या है, हमें इससे परिचित कराना है। अगर हम बच्चे को ऐसे ही जैसा पाठ वैसे ही बता देंगे तो हमारा अभ्यास सफल नहीं हो पाएगा। फिर बच्चे के दिमाग में रहेगा कि हवा बहुत कमजोर है, सूरज का ये काम है कि ऐसे ही ऐसे काम भी हो सकते हैं जो उससे बेहतर उससे ताकतवर हवा करता है, सूरज नहीं कर सकता। तो हमारा उद्देश्य बलवान से मतलब नहीं, हमारा उद्देश्य है उनके कार्यों से परिचित कराना और उस कार्यों को दूसरी प्रकृति घटनाओं से भी जोड़ के। अगर रात होती तो क्या सूरज बलवान रहता? क्या आता है गर्मी के बाद? क्या आता है ये गर्मी के बाद? क्या आता है बरसात? छत के माध्यम से बच्चे को यहाँ छाता बना करके, यहाँ सूर्य को चमकता देख करके, यहाँ बादलों का धुंध दिखा करके हम मौसम के बारे में क्या चित्र नहीं बना? क्या वजह रहती होगी? कुछ बच्चे आधा पन्ना एक पन्ना लिखते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे चार चार पन्ने भी भर दे तो उनके नंबर कम आते हैं, क्या वजह होगी? मेहनत तो बच्चे की ज्यादा लगती है ना, सटीक उत्तर दिया है। यानी कि क्या है? जैसे हमारा बोलना होता है, एक होता है गॉसिप, गॉसिप करने में आता है बड़ा आनंद, और एक होती व्यवस्थित बात, व्यवस्थित बातों में उन बातों का समस्याओं का निराकरण भी होता है। तो जब हमें निराकरण करना होता है हमारा होता है मोस्टली सेम चीज लेखन में भी है। अगर आप मुझे कहो कि आज के बारे की गॉसिप लिखो तो बढ़िया गॉसिप कर लेंगे, लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से करना होगा तो संबोधन भी देना होगा, कौन किस समय आया, किसने किस बात को किस प्रश्न को कैसे रखा, चर्चा में क्या बात है, उस पर बात से हमारा क्या निष्कर्ष निकला, कौन क्या क्या साथी समझे, हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, यानी क्या ये इसका उद्देश्य है। तो ऐसे लेखन का क्या काम है कि हमने क्या करना है, लिखना है किसको, अपने विचारों को। अब विचारों में ये नहीं है हम किसी के से कुछ भी बात कह दे रहे, व्यवस्थित तरीके से जो बातें कही गई है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे साथ वालों को जिससे फायदा हो, हमने उस चीज को लिखना है। और क्या होता है कि इस तरह इसको हम संप्रेषित करते हैं, दूसरे को देते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिखना है। क्योंकि हमारे सारे आयाम पर बहुत बातें हो चुकी हैं तो ये भी लेखन एक आयाम है, और इस पर भी यही सब चीजें आ रही हैं। दिल लगाई ऐसा, दिल मिलता रो जैसा, दिल लगाई ऐसा, दिल मिलता रो जैसा, बिस्कुट से पत्ते हो जिसके, बिस्कुट से पत्ते हो जिसके, फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, दिल लगाई ऐसा, दिल लगाई ऐसा, दिल मिलता रो जैसा, दिल मिलता रो जैसा, खेल कूद के पेड़ के नीचे, खेल कूद के पेड़ के नीचे, दिन भर मौज मनाए, दिन भर मौज मनाए, भाग दौड़ कर खेल कूद कर, भाग दौड़ कर खेल कूद कर, बच्चे जब थक जाए, बच्चे जब थक जाए, धूप लगे तो छाँव में बैठे, 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 माँ के आंचल जैसा, माँ के आंचल जैसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा।
जिसके बिस्कुट से पत्ते हों जिसके फल हो टॉफी जैसा फल हो टॉफी जैसा एक पेड़ लगाए ऐसा पेड़ लगाए ऐसा भूख लगे जब हमें सताने भूख लगे जब हमें सताने पेड़ पर चढ़ जाए पेड़ पर चढ़ जाए तोड़ तोड़ कर एक एक फल तोड़ तोड़ कर एक एक फल सब बच्चे खा जाए सब बच्चे खा जाए डाल पकड़ कर अगर हिला दे डाल पकड़ कर अगर हिला दे टप टप बरसे पैसा टप टप बरसे पैसा डाल पकड़ कर अगर हिला दे डाल पकड़ कर अगर हिला दे टप टप बरसे पैसा टप टप बरसे पैसा एक पेड़ लगाए ऐसा पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा झिलमिल तारों जैसा डाल तोड़ कर दूध निकाले डाल तोड़ कर दूध निकाले सब बच्चे पी जाए सब बच्चे पी जाए दूध मलाई मेवा रबड़ी दूध मलाई मेवा रबड़ी सब बच्चे खा जाए सब बच्चे खा जाए खा पी करके हम सब बच्चे खा पी करके हम सब बच्चे मिलकर मौज मनाए मिलकर मौज मनाए पेड़ लगाए ऐसा पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा झिलमिल तारों जैसा बिस्कुट से पत्ते हो जिसके बिस्कुट से पत्ते हो जिसके फल हो टॉफी जैसा फल हो टॉफी जैसा पेड़ लगाए ऐसा पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा झिलमिल तारों जैसा आपका क्या है सर सप्ताह 15 ब्लैक बोर्ड को सप्ताह 15 दिवस सप्ताह 15 है ना सर नीचे सारी मात्रा लगेगी जो कुछ सप्ताह 15 सप्ताह 15 का बदलना है आपको कौन सा चाहिए आपको ये इसका दिवस कौन सा है ये है ये सर ये हाँ इसका जो सप्ताह कह रहा है उसके 6 दिवस आ रही है उसको आपने देखना है सब और वही चीज आपने फिर उससे देखिए अभ्यास उसकी काम है संदर्शिका भी की है ना जब चाहती होगी तो दरवाजा नमस्कार बेटा तो अभी हम बात करते हैं कहानी के बारे में जो कहानी आपको कल पढ़ाई गई थी जंगल के जामुन तो जंगल के जामुन कहानी में आपने क्या क्या देखा था क्या क्या बताया गया था उसमें आपके घर में भी है खाए कभी जामुन आपने तो जब मैं कहानी कल पढ़ा रहा था तो उसमें इसे बारे में बात कर रहे थे कौन कौन थे कहानी में सर एक बंदर भी था एक जय था और कौन था काजल कौन होगा लड़का थी लड़की थी लड़की और जय लड़का तो इसे हम एक बार से फिर से कहानी को देखते हैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ और आप क्या करोगे ध्यान से सुनोगे क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे प्रश्न उत्तरों की तरफ फिर आपको वहां पर मैं प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा आप मेरे को बताओगे भी उसके बाद फिर लिखने का प्रयास भी करोगे कहानी को फिर से आप ध्यान से सुनेंगे जय और काजल एक जंगल से होकर जा रहे थे जंगल में बहुत सारे क्या थे जामुन क्या थे जामुन तो क्या देखा काजल ने जय को जामुन दिखाई पहले जय का ध्यान नहीं पड़ा तो काजल ने जय से क्या कहा और भी बहुत सारे पेड़ों के तो क्या होता है इसके बाद जब काजल ने जय से कहा कि जामुन देखो तो जय क्या करता है झट से एकदम दौड़ता है जामुन की तरफ तोड़ने के लिए
लेकिन क्या था, पेड़ बड़ा था, जामुन ऊपर थे। अब जय जैसे हाथ से तोड़ने की कोशिश करता है तो जय का हाथ वहां पर नहीं पहुंचता। अब जय के पास डंडा भी अगर वहां से अगर डंडा होता भी तो भी क्या था, जामुन बहुत ऊपर थे, उसने उछलकर भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर था कि जय और काजल वहां चढ़ने का प्रयास करते, लेकिन पेड़ बहुत मोटा था, ना वो ऊपर चढ़ पा रहे थे ना उनका हाथ ऊंचाई तक पहुंच पा रहा था। इतने में क्या होता है, एक बंदर, बंदर देखा है आपने, कहाँ होता है बंदर, जंगल में, शहर में भी होता है। क्या करता है बंदर, कूदता है, बहुत उछल कूद करता है ना, पेड़ों पर बंदर क्या है बहुत ही आसानी से चढ़ जाते हैं। जय और जो काजल नहीं चढ़ पाए तो बंदर ने घर से क्या किया, जामुन तोड़े और लेकर भागने लगा, और जैसे ही भागने लगा तो क्या हुआ, जल्दबाजी में उसके हाथ से जामुन नीचे छिटक गए, और नीचे छिटके हुए तो कहाँ गिरे होंगे, जमीन पर गिरे होंगे, और जमीन पर नीचे कौन खड़े थे, पेड़ के नीचे काजल और जय। तो जामुन जो वो तोड़ना चाहिए, मतलब जामुन उठाए नीचे से और जहाँ डाले अपनी पैंट की जेब में डाले। तो अब इसमें क्या है, मैं अब आपसे क्या करूंगा, छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा, तो आप क्या करेंगे, मतलब जो मुझे उत्तर बताएंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है बेटा, सभी लोग मतलब ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे, जंगल में कौन कौन गए, कौन कौन गए थे जंगल में, जय और काजल। अगला प्रश्न है, काजल को जामुन कैसे मिले, काजल को जामुन सर जमीन पे मिले, काजल को जामुन, काजल को जमीन पर मिले, आप कैसे मिले, सर बंदर ने जो है वो जामुन तोड़े और जल्दी में क्या है, जामुन गिर गया उसके, गिर गए, और फिर दोनों जय और काजल खड़े हुए थे, उन्होंने फट से उठाए और रखे जेल में और चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है कि बार बार जैसे ये प्रश्नों में भी मुझे एक चीज बता सकते हैं, जैसे मैंने ये प्रश्न लिखा है और इसके नीचे उत्तर लिखा है, तो इसमें कोई वर्ड ऐसे लग रहा है जो आपको भी मतलब बार बार आ रहा है, जी सर कौन सा वर्ड लग रहा है, जो, जो वर्ड क्या रहा है, जो, और जो के ऊपर भी कुछ लिख रहा है आपको, जी सर बिंदी है, कौन सी मात्रा होती है, वो किस चीज की मात्रा होती है, अंक की। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, जंगल, क्या पढ़ेंगे इसको, जंगल। भाई ये देना लिखा है, जबकि ये अंक की मात्रा है, भाव की मात्रा है, ये बहुत सारा कठिन नहीं है, अंधेरे से बच्चा पूरी तरह से परिचित है, अगला पन्ना डालेंगे तो फिर भी अंधेरे से काले से लिखे, और देखिए इस पन्ने में भी एक पूरा आकार देखो चमका दिया है, पक्षी को उसने चमका दिया है, ये कुछ बता पा रहे हैं कि क्या है, बिल्कुल अंधेरे से टॉर्च का संबंध है या नहीं है, है ना, और किसी से संबंध है, लगातार मोमबत्ती का जलना बिजली का आविष्कार नहीं है, जैसे कि न्यू इनोवेशन जाते हैं अक्सर होता है ना, बच्चों को हुई हुई की बात बहुत उनके खुद कहते बच्चे हुई बत्ती और तो बच्चे कहते हैं बिजली कहाँ से आती है, बोले हमारे मामा जी के घर से आती है, तो कहते कहाँ से आती बिजली बच्चे, तो बच्चों को क्या मालूम, ये अपने वो समझते मामा जी को साला कहते हैं, तुरंत लिंक आ जाती है, कहते हैं साल में बिजली का आपको। तम कभी कहाँ है वह मुझे नहीं मिल पा रही, काम कहीं और कर रही होती है आप, बोले आप आया जल्दी से उन्हें पापा नमक मांग रहे हैं, तो आप समझ लो मिर्च मांग रहे हैं तो सर नमक कम है, आप इशारा कर पाए अपनी मांग लिया नमक उठवा ले, तुम चुपचाप उठा के ऊपर रखा है ना नमक का डब्बा, तुम उस, आप उसके अंदर देखते भी नहीं, उठा ले दिया दे देते सर बैठा नहीं, मैं किताब तक शौक रहा हूँ, बहुत बड़ी किताब है। तो ये तो साथियों मैं उस समय जोशी जी भी याद आई और सब लेके गए, और ग्रीष्मकालीन जून के 9 तारीख की बात, तो इसी कांच में था वो कांच नहीं है साथी, भाई ये देना लिखा है, जबकि ये अंक की मात्रा है, भाव की मात्रा है, ये बहुत सारा कठिन नहीं है, अंधेरे से बच्चा पूरी तरह से परिचित है, अगला पन्ना डालेंगे तो फिर भी अंधेरे से उसने काले से लिखे, और देखिए इस पन्ने में भी एक गोलाकार देखो चमका दिया है,
पक्षी को उसने चमका दिया, ये कुछ बता पा रहे कि क्या है? बिल्कुल अंधेरे से कौन सा संबंध है या नहीं है, है ना? और किसी से संबंध है? चंद्रमा का है, है? चंद्रमा का है, चांद 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 का है, और काय का है? तारों का है, और काय का है? बल्बों का, लाइट का, बल्ब का है, और काय का है? मोमबत्ती का। लगातार मोमबत्ती का जलना बिजली का आविष्कार नहीं है, जैसे कि न्यू एवोल्यूशन चाहते हैं, अक्सर होता है ना बच्चों को हुई हुई की बात बहुत उनके खुद कहते बच्चे हुई बत्ती गई और भी तो बच्चे कहते हैं बिजली कहाँ से आती है, बोले हमारे मामा जी के घर से आती है। तो कहते कहाँ से आती बिजली बच्चे, तो बच्चों को क्या मालूम ये अपने वो सुनते हैं मामा जी को साला कहते हैं, तुरंत लिंक जाती है, कहते हैं साल में बिजली आपको दम दम कभी कहाँ है वह मुझे नहीं मिल पा रही, काम कहीं और कर रही होती है आप, बोले आप आया जल्दी से पापा नमक मांग रहे हैं, तो आप समझ लो मिर्च मांग रहे हैं तो नमक कम है, आधी शायद अपनी मांग ले नमक उबाले, तुम चुपचाप उठा के ऊपर रखा है नमक का डब्बा, तुम उस, आप उसके अंदर देखते भी नहीं, उठा के ले दिया दे देते सर बैठा नहीं, मैं किताब तक शौक रहा मुझे बहुत बड़ी किताब है। तो ये तो साथियों मैं उस समय जोशी जी की याद आई और सब लेके गए और ग्रीष्मकालीन जून के 9 तारीख की बात, तो इसी कांच में था वो कांच मिल गया साथी, बड़ा माहौल को दिलचस्प बनाने वाले हमारे सभी एमपी महोदय महोदय मैंने भी उसमें सहयोगी संस्था के रूप में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और हमारी इस ट्रेनिंग को पर्दे के पीछे से व्यवस्थित करने वाले हमारे उषा जी इनके द्वारा सारी तैयार करना कैसे व्यवस्था होगा और सभी हमारे विद्वान अध्यापक हैं विदुषी अध्यापक हैं। 6 दिवस का प्रशिक्षण चला बहुत बेहतरीन में और इसके शुरुआती अवसर पर भी आप लोगों से मेरी बात हुई थी और समापन पर भी आज मैंने पूछा था कि आज मैं भाई का सुबह आ गया था मैं कार्य आज पहली बार कर रखा है तो आज वहाँ कोई नूडल या हमारे प्रधान कार्य कर लेंगे और आप लोगों से दूर होने का मौका मिलेगा। तो 6 दिवस का प्रशिक्षण मैं भौतिक रूप से तो एक दिन आया और कुछ समय के लिए, परंतु जो आजकल ये सोशल मीडिया है इसके द्वारा मैंने आपका पूरा प्रशिक्षण देखा, आपका जो कभी कभी बिल्कुल आगे जाके पीछे आवर को एक ग्रुप गति से क्या अरे कभी जो अध्यापक थे उनको कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर दिया, मैं उन्हें जो संघ के अध्यक्ष हैं जोशी जी उनको भी एक्टिविटी करते हुए देख रहा था, मतलब बाल हमारे अनुभव से सफेद हुए हैं उम्र से सफेद हुए हैं जो भी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका एक कविता वाचन था किसी अध्यापक महोदय का उसको लिखा मिला नीचे से तो मतलब इतना आप लोगों ने उसको जॉयफुल बनाया। तो जब वही बात आई थी हम वहाँ पर 6 दिन के लिए विद्यालय छोड़ के और सब कुछ छोड़ के वहाँ आए हैं तो एक रोचक माहौल के अंतर्गत करते तो आप सब पीछे का पूरा भूले और 6 दिन आपने पूरा प्रशिक्षण का आनंद भी लिया और बहुत कुछ सीखा भी। अब वही जो हमने सीखा है वो बच्चों तक हमने पहुँचाना है तो उससे क्या कहते हैं प्रशिक्षण की रोचकता भी मिली, आपकी प्रशिक्षण बहुत व्यवस्थित था और मैं तो उस प्रधानाचार्य महोदय का भी धन्यवाद करूँगा कि छात्रों को असुविधा हुई क्योंकि यहाँ पर छात्र के बैठने के कक्ष में हमने अपना प्रशिक्षण कराया जिन्होंने उसको भी दरकिनार करते हुए प्रशिक्षण में हमको पूरा सहयोग दिया। यहाँ पर विदा होने वाले मेहमान इन सभी बधाई के पास हैं जिन्होंने किया राजपत्र अवकाश के दिन अपना समय यहाँ प्रशिक्षण में दिया है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं और सहयोगी संस्थाएं तो धन्यवाद के पात्र नहीं हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा अच्छा श्रेष्ठ मान के जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर जितने लोग बैठे सभी एमटी बेपनी के बराबर लोग मान लें क्योंकि कभी आप भी एमटी बनेंगे और जो आपको यहाँ से चीज़ें दी गई हैं इनका अनुप्रयोग जरूर है अप्लीकेशन जरूर होना यूज जरूर होना चाहिए। हो सकता है 10% हो 20% हो अचीवमेंट 20% मिले तब भी आपको उसका उपयोग करना चाहिए, हो सकता है उपयोग न करने में कठिनाई आ रही हो और कठिनाई आती है कि दूसरी जगह जाना है थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है थोड़ा सा और दो चार दिन किसी संचल का लेकिन
जो विभागीय नियम है उस नियमानुसार यह प्रशिक्षण कराया गया। सभी लोगों ने समय की पाबंदी में रहे और थोड़ा सा हम लोग प्रशिक्षण नहीं दे पाए व्यस्तता के कारण, फिर भी कभी कभी जानकारी मुझे मिली। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे सारे प्रतिनिधि, मैं तो आपके साथ बराबर 8 दिनों तक 6 दिनों से लगातार आपके साथ हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, जो भी बातें हैं वो हमारे तिवारी जी और संजय सब बता दी हैं कि प्रशिक्षण कैसा हुआ और इसका प्रशिक्षण क्यों कराया गया, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हमें कहाँ यूज करना है, हम सब लोग इससे वाकिफ हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी श्री पंजी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री कटियार जी भी आज संगत के रूप में सारे देख रहे हैं, तरुणेश जी और MPO की जान को संचालन कर रहे हैं हमारे तिवारी जी और सारे MP और मेरे वरिष्ठ कनिष्ठ सभी प्रशिक्षणार्थी शिक्षक साथीगण। प्रशिक्षण का महत्व जो कुल्हाड़ी वाली कहानी होती है कि कुल्हाड़ी को बार बार धार लगानी चाहिए, ये सबको पता है। जहाँ तक सबने अभी आदेश दिया कि फॉलोअप के बारे में बताइए, प्रशिक्षण आदर्श स्थिति, आदर्श परिस्थिति, आदर्श अध्यापक, आदर्श शिक्षक के लिए प्रशिक्षण तो बहुत मायने रखता है, लेकिन जब हमारे जब हम फील्ड में काम करते हैं तो जो शिक्षण प्रशिक्षण हमने यहाँ पर प्राप्त करा वो वहाँ पर परिस्थितियों के अनुकूल प्रतिकूल नहीं हो पाता है। तो उस वक्त शिक्षक जो होता है वो अपने आप ही PLM बन जाता है, अपने आप ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन जहाँ तक इस प्रशिक्षण का सवाल है, प्रशिक्षण बहुत बढ़िया रहा, 6 के 6 दिन कई प्रकार प्रशिक्षण की महत्ता इतनी अच्छी थी कि मैं तो धन्यवाद दूंगा पंजी को भी कि उन्होंने हमारे साथी जो कोरोना काल से बहुत कर्मठ थे, ईमानदार थे, कटनिष्ठ थे और तहसील वाले उनको छोड़ ही नहीं रहे, उनको भी उन्होंने प्रशिक्षण के लिए बुला लिया। मेरे आप बहुत धन्यवाद के पात्र। प्रशिक्षण की मान्यता इतनी जबरदस्त है कि सारे सभी प्रभारी से लेके और तहसील कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बड़ी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बड़ी नाव चढ़े, अब छोड़ प्रभु बन को जाए राम लखन सरयू तक आए, अब छोड़ प्रभु बन को जाए राम लखन सरयू तक आए, केवट मन ही मन मुस्काए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ के भी करेंगे। तो इन 6 दिवसों के सुखद अनुभव को लेते हुए आज कल से अपने विद्यालयों में जाएंगे, तो मैं जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण चला इसके समापन की घोषणा करता हूँ और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोड़ प्रभु बन को जाए राम लखन सरयू तक आए, अब छोड़ प्रभु बन को जाए राम लखन सरयू तक आए, केवट मन ही मन मुस्काए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाँ जोड़ के जोड़ेंगे राम के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बटी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बटी नाव चढ़े, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ गंगा पार के बट पहुंचाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ गंगा पार के बट पहुंचाओ,
के बट बोले नारा गुराए चरण धूल की महिमा भारी प्रभु चरण धूल की महिमा भारी मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए परे बहुत बढ़िया बहुत गजब भार प्रभु के बटी नाव चढ़े जाना था गंगा पार प्रभु के बटी नाव चढ़ी चली नाव गंगा की धारा राम लखन सी अपार उतारा चली नाव गंगा की धारा राम लखन सी अपार उतारा प्रभु ये देन लगे उतराई के बट बोले नारू एक नदिया एक नाविक और कितनी आपदाएं क्या करूं मझधार में ही मैं किनारा चाहता हूं बहुत मैं तुम्हारी मौन करुणा का बहुत बहुत घोड़ा घोड़े की दौड़ा 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 धूम बढ़ा के दौड़ा काटी काटी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा है दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा बहुत आना आए बादल घने उतके उनसे हाथ छुआना आना तुम भी आना हवा गा रही तुम भी गाना गाने में खो जाना नदी किनारे कूद धरा की हरा मखमली बाना वही पेड़ पूरे पर छाया एक घोंसला सब चिड़ियों ने मेहमानों के लिए बनाया उसमें दस हो जाना आना तुम भी आना तुम भी आना आज मोरिया नदी गाएगी पंख पसारे परी आएगी सुबह जगाएगी चिड़िया रानी तुम्हें जगाने गाना आना तुम भी आना नदी चढ़ी है आना तुम भी आना बहुत बहुत बढ़िया बादिया मेरा दामन लासते मेरी बाहे जावे शिवा तुम जाओ मेरा दामन लासते मेरी बाहे जावे मेरे शिवा बादिया मेरा दामन जब चुराओ के दिल तुम किसी बात से जब चुराओ के दिल तुम किसी बात से साख गुल चैन देंगी मेरे हाथ से तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे वादियाँ मेरा दामन रास्ते मिट गई अपनी आन पे आज उसी को पहन के निकला उसी को पहन के निकला चोला में मेरा रंग दे बसंती चोला मेरे रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला और दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है एक बार इस राह पे मरना सौ जन्मों के समान है एक बार इस राह पे मरना सौ जन्मों के समान है देख वीरों की कुर्बानी ओ देख वीरों की कुर्बानी गलबन दे बोला मेरा गलग दे गसंती चोला मेरे
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए मन लगता नहीं है लगाने से, मैं मुझाया ना करो, मैं मुझाया ना करो तुम बहाने से। वो छोटी सी लड़की का कहना है अच्छा। कि मैं बहाना मार के विद्यालय से चली जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया, हमको बड़ा कष्ट, बहुत बढ़िया। और क्या कहती है वो, ऑफिस में थोड़ा कक्षाओं में ढूंढा, ऑफिस में ढूंढा कक्षाओं में ढूंढा, और पूछा है सारे जमाने से, बहुत बढ़िया, बहुत जाया ना करो तुम बहाने से, जाया ना करो। आगे ये बात सब उसी की है, मैंने तो उसके शब्दों को एक संगीत में पिरोया, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कोशिश की है, पिरोया भी क्या है। आगे लिखा है, और सर जी से पूछा, मैडम जी से पूछा, सर जी से पूछा, मैडम जी से पूछा, और पूछा है भोजन माताओं से, बहुत बढ़िया, जाया ना करो तुम बहाने से, मैं जाया ना करो। थोड़ा सा और इसको आप बढ़ाने की कोशिश की है, किससे करें बातें जैसे तुम्हारी, मैडम बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती है। जब मैडम खाना खाते है, जरा जरा मुंह खोल, मुंह खोल, और अपना टूटी थोड़ा उनके मुंह में चिड़िया की तरह डालते, बहुत बड़े। और किससे करें बातें जैसी तुम्हारी, और सुनता है कोई ना बातें हमारी, क्या गलती हुई हम नादानों से, मैं मुझाया ना करो तुम बहानों से, बहुत बड़े सर, जाया ना करो तुम बहानों से। अंतिम मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, कहते दयाल सर डरो नहीं हमसे, कहते दयाल सर डरो नहीं हमसे, बातें करो जैसे करते मैं मुझसे, और डर से को भगाओ तुम अच्छा अंदर से, डर को भगाओ तुम अंदर से, मैं मुझाया ना करो तुम बहाने से, मैं मुझाया ना करो। बहुत बढ़िया सर, टैंग 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 टैंग, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।